एमपीआरडीसी द्वारा विनोद मिल की जमीन पर तय समय सीमा के अंदर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश पर मजदूरों के बकाया राशि के भुगतान के लिए विनोद मिल की जमीन पर छोटे प्लाट पार्सल के रूप में बेचने का फैसला किया था। इसके लिए मध्य प्रदेश परिसंपत्ति विभाग द्वारा इस जमीन को अलग अलग कर पार्सल के रूप में बांटा गया और इस जमीन पर यातायात की सुगमता हो इसके लिए करीब 800 मीटर सीमेंट कंक्रीट रोड बनाने के लिए एमपीआरडीसी को एजेंसी बनाया गया था। करीब 3,35,00,000 की लागत वाली इस सड़क को एमपीआरडीसी में तय समय में ठेकेदार भदौरिया से इसका निर्माण पूरा करवाया। एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक एस के मनवानी ने बताया कि सहायक प्रबंधक अभिषेक गोखरू और दीपक शर्मा ने इस प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूर्ण करवाया है। अब परिसंपत्ति विभाग इस जमीन को आसानी से नीलाम कर पाएगा। नया रोड बनाया है जो मिल परिसर के अंदर, ये किस प्रकार से बनाया है और ये कब तक इसका काम कंप्लीट होने की उम्मीद कर रहे हैं सर? ये 800 मीटर लंबाई में 4 लेन ये कंक्रीट पेवमेंट बनाया गया है जी, और लगभग ये पूर्ण हो चुका है, ये पूर्ण हो चुका है कार्य जी। और चूंकि ये विनोद मिल परिसर का है, परिसर के कुछ जो है प्लॉट बिक भी चुके हैं जी, और जब प्रशासन कहेगा तो इसका जो है लोकार्पण जो है किया जा सके। इसको लेकर फ्यूचर प्लान भी है इसको एक्सपांशन करने के लेकर? नहीं, ये एक जो है परिसर का है, इसमें जो टाउनशिप जो भी डेवलप होगी जी, कॉमर्शियल या जो है रहवासी जो भी उपयोग हो गया, उपयोग के अनुसार जो है जिस व्यक्ति ने पार्सल लिए जी वो उस अनुसार इस रोड से जो है अपने रोड को जोड़े। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।